अजी सुनते हो, हमारी शादी करने वाले पंडित जी का देहांत हो गया। क्या बात कर रहे हो, एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों की फल मिलने ही वाला था। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बहुत बुरा हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे इंसर्ट टैब चल रहा है हमारा, जिसमें मैंने पिक्चर्स टैब में कुछ बताया था, फॉर्मेट टैब के कुछ ऑप्शंस तो लेकिन कुछ बाकी है, तो इसलिए मैं दोबारा पिक्चर इंसर्ट करता हूँ जो कि मैंने पुराने लेक्चर में बताया। डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय लिस्ट है और यहाँ पे मेरे पास इतनी पिक्चर्स है, फिलहाल आपके पास ज़्यादा भी रह सकते हैं। फिलहाल मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ले लिया मैंने क्रिश, और यहाँ पे इस पिक्चर को मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट टैब आता है, जी हाँ, फॉर्मेट टैब में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको स्क्वेयर करना है ताकि आप इस पिक्चर को यहाँ पे वहाँ पे जैसे रख सकते हैं, और मैंने बोला था कि आपको रिमूव बैकग्राउंड अगर करना है तो आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, जो कि इसका साइज़ यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये बॉक्स का साइज जो दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ इस तरह से, और मैं बाजू में क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव हो गया। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, इस पर क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट में जाइए और टाइप कीजिए। तो टाइप करने के बाद कैसे आता है स्क्वेयर टाइट, ये आपको फ़र्क मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। फिलहाल मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि इसको आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल रेडीमेड है, जो कि आप यहाँ से दे सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉर्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जो आप इजीली सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, बस क्लिक करो और हो गया। और इसमें और भी पिक्चर इफेक्ट्स चाहिए आपको तो यहाँ पे शाडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बेवल है और 3D रोटेशन है, तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। आप जस्ट माउस घुमाइए और इफेक्ट आ जाएगा। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करके देखनी ये सब इफेक्ट्स तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पिक्चर बॉर्डर जरूर दिखाऊंगा कि अलग कलर कर सकते पिक्चर की बॉर्डर को आप यहाँ पे। तो बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप इस तरह से इसका बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में रिमूव बैकग्राउंड तो मैंने बताया, करेक्शंस ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग करेक्शन। जैसे आप माउस पॉइंटर घुमाएंगे तो इमेज के ऊपर उसका इफेक्ट जरा दिखाई देगा, इमेज का इफेक्ट कैसे है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माउस घुमाता हूँ मैं, ओके, पूरा इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो करेक्शन आपको ये समझाने की जरूरत नहीं मुझे क्या हो रहा है इमेज का करेक्शन, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ रहा है। कलर इफेक्ट्स भी है, कुछ कलर इफेक्ट्स में आप माउस रखते हो इस तरह से, देखो माउस पॉइंटर आप रखोगे उसके ऊपर तो इमेज कलर चेंज हो जाता है और इमेज अलग अलग पैटर्न में आपको कलर में मिल जाएंगे, जो कि मोबाइल में वगैरह रहता है आजकल, आपने देखे होंगे। आर्टिस्टिक इफेक्ट भी है, ये इफेक्ट्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं और ये यहाँ पे भी दिया है। वर्ड के अंदर अगर ऐसे करने हैं तो ये रेडीमेड इफेक्ट अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्लास इफेक्ट है, वाटर इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट्स अलग अलग। यू कैन मूव योर माउस पॉइंटर एंड सेलेक्ट एनी वन, जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो इफेक्ट्स बताने थे फॉर्मेट से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमेजेस को ग्रुप कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं और एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट में पिक्चर में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने लिया कैप्टन अमेरिका, ये ढाल वाला ले लिया मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ पहले स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, छोटा कर दो। ओके, छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे इसे। मैं अभी ग्रुप करना चाहता हूँ तो ग्रुप करने इसको भी मैं ज़रा स्टाइल कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये दे देता हूँ। अब मैं इन दोनों को ग्रुप करना चाहता हूँ तो शिफ्ट बटन प्रेस करके दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है ग्रुप। जी हाँ, आप राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों पिक्चर्स का एक ही ग्रुप हो गया और आप जहाँ पे चाहिए उसको ऐसे इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो इमेजेस को ग्रुप कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ग्रुप करने के लिए बस आपको यहाँ पे जाना है और वापस अगर अनग्रुप करना है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, और अनग्रुप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, अनग्रुप से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इमेजेस को ग्रुप कैसे करना है मैंने बताया, ये इमेज आगे आ चुका है वो पीछे, तो ये इमेज को पीछे भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड, यहाँ पे दिख रहा है इसको पीछे भेजना है तो सेंड टू बैकवर्ड। ये आपके पास सिलेक्शन पेन आता है जिसमें आप पिक्चर हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्शन पेन राइट साइड में आ रहा है, जो कि मैंने बताया था होम टैब पढ़ाते वक्त कि सिलेक्शन पेन आगे है आपको, जिससे आप हाइड कर सकते हैं, हाइड ऑल कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं, ये ऑप्शन से यहाँ पे सिलेक्शन पेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड जो फॉर्मेट टैब था, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऑप्शन बाकी है क्योंकि ये रोटेट वगैरह सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, क्रॉप है, ये सब ऑप्शंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं और आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पोजीशंस है जो कि पिक्चर्स की पोजीशन आप यहाँ पे डायरेक्टली पेज के ऊपर सेट कर सकते हैं कि पेज में आपको सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टॉप लेफ्ट में चाहिए, मिडल में चाहिए, राइट में चाहिए, आप इसे डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके वो पोजीशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो पिक्चर से रिलेटेड सभी ऑप्शंस मैंने कवर तो कर दिया, मैं बस आपको लास्ट ऑप्शन बताना चाहूँगा। यहाँ पे माउस पॉइंटर लाते ही मतलब इस जो सिलेक्शन ऊपर एक रोटेट पॉइंट आता है, फिलहाल आपको ये शायद वीडियो रिकॉर्डिंग में ये रोटेशन ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अगर यहाँ से क्लिक करके माउस का बटन क्लिक करके घुमा दोगे तो आप इस इमेज को इस तरह से जो एंगल में चाहिए वो रोटेट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे रोटेशन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऑप्शंस बाकी थे जो कि पिक्चर टैब में पढ़ाना बाकी था। मैंने बताया था आपको कि पिक्चर टैब में कुछ और ऑप्शंस है जो आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे पिक्चर टैब में आगे आपको जाना है और ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन लेना है। ऑनलाइन पिक्चर्स में आप देखेंगे
तो यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बिंग सर्च वगैरह। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस सर्च हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम है इसका, जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो या क्लिक करते हो, इंसर्ट के ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कुछ ऑप्शन का मुझे पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ये बिंग सर्च के साथ उसका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंसर्ट। पहले पुराने जो वर्जन था उसमें डायरेक्टली क्लिप आर्ट एक ऑप्शन रहता था, या 2007 अगर आप यूज करते होंगे तो क्लिप आर्ट ऑप्शन था, उसमें डायरेक्टली पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट होते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। तो एनीवे आप अगर पिक्चर्स लेना चाहते हो तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल में जाएंगे, गूगल में एक इमेजेस सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर, जी हाँ मैं सचिन तेंदुलकर की इमेजेस लेना चाहता हूँ, तो मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। इमेजेस को मैं एक तो सेव कर सकता हूँ, लेकिन बिना सेव किए मुझे इस इमेज को लेना है डायरेक्टली, तो आपको वर्ड पे आना है। यहाँ पे वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट में आपको जाना है स्क्रीन क्लिपिंग। तो मैंने पीछे सचिन का फोटो ओपन रखा है, वर्ड में आ गया हूँ, मैं स्क्रीन क्लिपिंग में जा रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे आप चालू करोगे स्क्रीन क्लिपिंग, ये धुंधला सा हो जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है सचिन तेंदुलकर, जी हाँ इस तरह से सचिन की इमेज सेलेक्ट कर लीजिए और ये इमेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएगी। ये मिनिमाइज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अल्ट एफ बटन प्रेस करता हूँ मैं, जरा यहाँ पे मिनिमाइज है इसलिए नहीं आ रहा है, तो अल्ट यहाँ पे मैं एस्केप बटन पहले प्रेस करूँगा, फिर अल्ट एफ प्रेस करूँगा और फिर एस्केप करूँगा दोबारा, तो यहाँ पे ये सचिन का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन समटाइम्स इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पे मेरा सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समटाइम्स मिनिमाइज हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको किस तरह से स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी ऑनलाइन पिक्चर आप ले सकते हैं इंसर्ट में स्क्रीनशॉट के जरिए। स्क्रीनशॉट में आप पूरा गूगल का यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ऐसा ले सकते हैं, और बाद में भी इसे आप क्रॉप कर सकते हैं, जो कि क्रॉप टूल मैंने आपको बताया है, क्रॉप टूल से आप यहाँ से ऐसा। तो ये अलग अलग तरीके हैं इमेजेस इंसर्ट करने के, जो स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग से भी कर सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझा होगा स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग क्या रहता है, और बढ़िया भी लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करेंगे और बने रहेंगे मेरे चैनल के साथ, आएगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही। ये था लेक्चर नंबर 7 दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी क्लिक तो करा ही होगा आपने, और दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ला, और आखिरी में एक ही कहूंगा भाई, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।